अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस अकेडमी में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा चल रही हैं, फिर भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ये पूरी कोशिश है, पूरी तरह से कोशिश है कि आपके स्टडी आपके घर पे किसी भी तरह से न रुके। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज से हम एक सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जो मैथ्स की सीरीज होगी, जिसमें आने वाले एयरफोर्स के एग्जामिनेशन के लिए हम मैथ्स के काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ्स के लिए दो पोर्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपको फार्मूला कितना आ रहा है, दूसरा आपका बेस या थ्योरी पोर्शन आपका कितना बेहतर है। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चन के साथ साथ उन शॉर्ट ट्रिक्स, उन फार्मूलों और आपके बेसिक चीज़ों को हम बताते चलें। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जुड़े रहेंगे आप त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के साथ, और त्रिशूल डिफेंस अकेडमी की पूरी कोशिश है कि आपके स्टडी आपके घर पर बहुत ही बेहतर हो, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाए। तो हमारी जो क्लासेस जो सीरीज है वो टोटली डेडिकेटेड है आपके एयरफोर्स के लिए। तो एयरफोर्स के स्टूडेंट जो भी हैं हमारे यहाँ या फिर कहीं बाहर के भी हैं, तो वो अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो उनको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के क्लास की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस प्रश्न से। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म द सीरीज बी 5n² + 2n। ठीक है, कुछ हिंदी वाले भी जुड़े होंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है, कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है, उसके n पदों का, उसके n पदों का योग। ठीक, किसी समांतर श्रेणी के, क्योंकि n पदों का योग ऐसा है तो सीरीज 100% क्या होगी, एपी में होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये फॉर्म किसका चलता है, एपी का चलता है। तो किसी एपी के n पदों का योगफल आपको दिया हुआ है, जैसे SN दिया हुआ है। SN हमारा किस फ्रेम में रहता है, an² + bn के रूप में रहता है, अगर ये एपी है तो। ठीक है, तो गिवन है कि किसी एपी के समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ये दिया हुआ है। ठीक है, हमको फिर निकालना क्या है, हमको सेकंड टर्म निकालना है। क्या कह रहा है, सेकंड टर्म यानी कि दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हमको निकाल करके बताना है। तो बेटा बताया था pn आपका क्या होता है, 2an + b - a, ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो pn = 2a, अब देखो यहां से टैली करेंगे बेटा तो a हमारा कितना आ जाएगा, 5, ये 5n आ गया। b हमारा टैली करेंगे तो कितना रहेगा, 2 - 5, तो ये 10n और -3 हो जाएगा। तो tn हमारा हो चुका है, tn वा पद हमारा कितना हो चुका है, 10n और -3 हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ n की जगह हम 2 रख देंगे, n की जगह 2 रख देंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा। तो दूसरा पद आकर 20 - 3 = 17, ठीक है, 17 हमारा सेकेंड टर्म होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये एक सीरीज चल रही है, 1 है, 1+3 है, फिर इसके बाद आपका है 1+3+5, ऐसे ये डॉट डॉट चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये सीरीज आपकी चल रही है, 1 है, फिर 1+3 है, फिर 1+3+5 डॉट डॉट, यहाँ कहाँ तक जा रही है, एन पदों तक जा रहा है। ठीक है, n पदों तक जा रहा है, तो इसका सम कितना होगा। ठीक है,
तो चलिए मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक हमारा क्या था, ट्रिक में आपको करना सिर्फ इतना है कि n बराबर 2 आपको लेना है, कोई भी दो पदों को आपको ऐड कर देना है। तो मैंने इसको और इसको ले लिया, ठीक, तो मैंने ये 1 प्लस 3 को ऐड किया तो 3 और 2 = 5 हुआ। अब हमको n बराबर 2 यहाँ रखना है ऑप्शन में, जो ऑप्शन मुझे 5 ला करके दे देगा वही ऑप्शन मेरा राइट है। यहाँ अगर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इस पे हम आएंगे तो 2 रखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, 3 3 = 9 देगा हमको, तो बी वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। अब आते हैं सी वाले ऑप्शन पे, 2 रखा, 2 = 3 और 2 2 = 4 = 5 और बटे में 6 है, तो 6 से ये कट गया, बचा कितना बेटा, तो 5 बचा, यानी कि हमें चाहिए था क्या, हमको तो 5 चाहिए था, और हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो मुझे क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो एक सुपर ट्रिक थी जो आपको बताई गई थी, क्लास में भी अक्सर मैं बताता रहता हूँ, तो इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ से हमको सिर्फ इतना करना होता है कि कोई भी दो टर्म लेके जोड़ना होता है, तो एक बार LHS मान लीजिए आप, और एक बार इसको RHS मान लीजिए, LHS RHS को आपको बैलेंस करना है, और अगर बैलेंस हो जाता है तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो 1 + b + ia / 1 + b - ia का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट इसको आप जान लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता क्या है, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी होता है। इसको आप और भी लिख सकते हैं, b प्लस आई ए और b माइनस आई ए भी लिखा जा सकता है। इसको जब हम हल करेंगे तो एग्जैक्ट इसी के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, अगर मैंने इसको लिया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस 1 होगा आई स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम इन दोनों चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इसको आप समझे रहेंगे, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, तो हमने क्या ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 लिया। अब इसको क्या हम बी प्लस आई ए और बी माइनस आई ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जितने ऑप्शन हैं सब में ऊपर की तरफ लिख रहा है, तो हमको यहाँ नीचे से गायब करना है, तो नीचे से गायब करने के लिए हमने बी माइनस आई ए को यहीं छोड़ा, तो 1/b आई ए हो जाएगा, तो जहाँ पे भी बी माइनस आई ए है वहाँ पे हम इस चीज को रख सकते हैं। तो ये 1 + b + ia और b माइनस आई ए की जगह पे ये लिख देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आके, जब ये ऊपर जाएगा ये ऐसे ब्रैकेट में होगा और इसके साथ जाएगा b + ia + 1, अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमको क्या मिला, फाइनली हमको b + ia मिला, देखते हैं कौन सा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा प्रश्न भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हमको दिख रहा है साफ साफ कि √3 - 4i हमको निकालना है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका बताया था स्टूडेंट, जिस तरह से √4 देखिए क्या होता है, 2 होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये 2 हमारा क्या है, 2 हमारा आंसर है, ठीक। तो अगर हम आंसर को वर्ग कर दें, अगर हम आंसर को वर्ग कर दें तो 2 × 4 यानी कि हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है। हर अंडर रूट में यही होता है स्टूडेंट, अगर हम कोई भी अंडर रूट लेते हैं, जैसे 16 का 4 होता है, और 4 का वर्ग करेंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, 16, यानी कि उत्तर का वर्ग करने पर, आंसर का वर्ग करने पर हमको क्या मिल जाता है, क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसी का फायदा उठाएंगे,
तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये सारे क्या है उसके आंसर है। ठीक, अब इनमें से तो कुछ भी हो सकता है, तो सारे ऑप्शन को हमको चेक करना है, क्योंकि बीच में हमको यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो ये तो संभव ही नहीं है कि इसको वर्क करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। तो या तो ये या तो ये या तो ये हो सकता है। तो रेंडमली मैंने कहीं से शुरू किया, तो मान लो मैंने इसको ले लिया, इसको वर्क कर लिया, तो 1 + 4i² - 4i हो जाएगा। तो ये हमको -3 - 4i देगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, +3 - 4i चाहिए। तो ये वाला तो गलत हो गया ऑप्शन। अब हम इस पे आते हैं, बी वाले पे। तो यहां पर हम लेंगे 4 + i² और ये हो जाएगा आपका -4i। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे इस चीज को तो 4 + i² - 4i इस जगह पे हो जाएगा। तो 4 - 1 और -4i, अब 3 - 4i यहाँ पे हमने देखा, तो 3 - 4i ये दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको चेक करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 + i² आई ये हो गया -4i। अब ये देखो दो दो ऑप्शन टैली कर गए। ठीक है, दो दो ऑप्शन आपका क्या हो गया, टैली यहाँ पे कर गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आप किसकी शॉर्ट ट्रिक को समझ लीजिए कि अगर आपका कोई भी एक ऑप्शन सही है तो उसी ऑप्शन को हम ले लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इस ट्रिक को लगाया और आपका दो दो आंसर जो है वो क्या हो गया, सही हो गया। तो बाय चांस ऐसी स्थिति बनती है, तो उस स्थिति से कैसे हमको निपटना है, कैसे उसको करना है। तो यहां आप समझ लीजिए कि क्या करना है, ये शॉर्ट ट्रिक तरीका मैं बता दे रहा हूं कि जेड इसको मान लीजिए तो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा b - 4i। तो इसको रूट को अभी फिलहाल हटा दीजिए, इसको रूट को हटा दीजिए, तो 3 - 4i आपका जेड आ जा रहा है। ठीक है, अब इसी को आपको करना कितना है, सिर्फ इतना काम करना है कि ये मॉड जेड आपको निकाल लेना है, अंदर का जो चीज है ये वाला, इसी के लिए आपको चलना है। तो आपका कितना आया, 9 और 16 आया, 16 - 9 = 25 का आपका 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मॉड जेड लिखना है और ऐसे खींच देना है। क्या करना है, मॉड जेड लिखना है और ऐसे खींच देना है। तो जो भी मॉड जेड आया है तो एक बार उसमें ये रियल नंबर को, याद रखिएगा हमेशा इसी को करेंगे, एक बार इस रियल नंबर को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। आ इसी जो आपने जेड निकाला है और इसी रियल नंबर को, समझिए इसी रियल नंबर को एक बार क्या करना है, घटा देना है। शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, आपको सबसे पहले मॉड निकालना है, अंदर का जो है तो मॉड आ गया। एक बार आपको क्या करना है, उसी में आपका रियल नंबर को जोड़ देना है और उसी को जो निकाला है उसको आपको घटा देना है। आज जितना भी आएगा, जितना भी 5 - 3 - 8 आया, इसको 2 से डिवाइड करके अंडर रूट लगा देना है। ठीक, इसको समझिए, ये 5 में से 2 गया, ये 2, और इसमें से 2 को डिवाइड करके आपको अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को, तो ये कितना हो गया, ये 2 * 4 = 8, तो 8 * 2 = 8 = 4, ये तो 4 का अंडर रूट स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये स्टूडेंट 1 हो जाएगा। तो 1 यानी कि इस वाले पोर्शन में हमको आई लेना है, आई इंटू ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आप समझ लीजिए इस चीज को कि जहां पे आपको घटाना है वहां पे इस अंडर रूट के पहले आपको क्या लगा देना है, आपको आई लगा देना है। ठीक, आप बीच में आप देख लो क्या है, बीच में माइनस है तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लगा देना है, आपको माइनस लगा देना है। तो हमारा 2 - i ये जो होगा, आप आगे प्लस माइनस लगा दीजिए क्योंकि दोनों संभव है, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बाई चांस अगर ऐसा होता है कि दो दो ऑप्शन आपका टैली कर जाता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट, अंडर रूट निकालने का
ये सबसे आसान सा तरीका है, सबसे इजी मेथड है। एक बार और मैं इसको समझा दे रहा हूं कि ये भी जो भी प्रश्न में रहेगा उसको आपको जेड ले लेना है। जैसे प्रश्न में 3-4i को मैंने ये जेड ले लिया, फिर इसका मोड आपको लेना है। तो तीतरी का 9 चार का 16, ये 5 आपका मोड हो गया। आप फिर मोड लिखना है और ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। एक बार जो मोड निकाला है उसमें रियल नंबर को हमेशा याद रखेंगे, उसमें रियल नंबर को एक बार जोड़ देना है और उसी मोड में रियल नंबर को एक बार घटा देना है। जितना आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करके रूट लगा देना है, जितना आंसर आएगा 2 से डिवाइड करके रूट लगा देना है और आई को इंट्रोड्यूस कर देना है, यहाँ पे आई भी लगा देना है, ठीक है। अब फिर हल करने पर जो आएगा उसको लिख देंगे। आज चिन्ह कहाँ से लेना है, साइन कहाँ से लेना है, जो साइन प्रश्न में होगा वही लेना है। प्रश्न में अगर माइनस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, अब प्रश्न में अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, पांचवे वाले पे। पांचवे वाले की ट्रिक में बता दे रहा हूं, क्योंकि ये देखने पे आप देख लीजिए ऐसे भी ये काफी बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है, बहुत बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जेड एन का अगर आप मॉड लेते हैं तो जेड मॉड का एन ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पे हम इसको बना देंगे, इसी पे हम इसको बना देंगे और बहुत ही आसानी से बना देंगे। अब देखिए इसको, तो हमने क्या किया कि अंडर रूट 3+i का पावर 100 है, ठीक है, और 2 का पावर 99 और ये a+ib है। तो हमने इस और भी मॉड ले लिया और इस और भी हमने क्या ले लिया, मॉड ले लिया, ठीक है। तो दोनों हमने मॉड ले लिया, तो अब समझ लीजिए इसको कि इस वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, मॉड जेड का पावर एन हो जाएगा। तो आपका मॉड अंडर रूट 3+i और इसका पावर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और 299 निकाल दीजिए क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका इसके साथ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझिए इस चीज को। इसको हमने जो मॉड लिया तो रूट 3 का होल स्क्वायर ये 3 हो जाएगा, अब 1 का होल स्क्वायर आपका ये 1 हो गया, अब पावर कितना हो गया, 100 हो गया, और 299 ये अंडर रूट हो जाएगा a² + b² ठीक। अब यहां पे आते हैं तो अंडर रूट 4 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का पावर 100 हो जाएगा, आइए 2 का पावर 99 है, आइए है अंडर रूट a² + b² ठीक। अब देखिए इससे ये चीज कट जाएगी, इससे ये चीज कट जाएगी, कट के यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो अंडर रूट a² + b² आज दोनों और हम वर्क कर देंगे, तो दोनों और जैसे ही वर्क करेंगे a² + b² हमको क्या दे देगा, हमको 4 दे देगा। तो स्टूडेंट सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इसको हमने देखा कि इस वाले फार्मूले से जटिल पावर वाले प्रश्न को बहुत ही आसानी से, बहुत इजिली हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सभी प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन लिया गया है यहाँ पे, तो आप समझिए ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो ओमेगा हमारा क्या है, इकाई का घनमूल है, क्या है, इकाई का घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इकाई का घनमूल है स्टूडेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये हमको अच्छे से मालूम है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो, और 1+ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा जटिल है, मैं समझा दे रहा हूं इसमें क्या करना है आपको, तो ध्यान से थोड़ा देखेंगे इसको।
तो सबसे पहला काम ये करना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो आपका क्या है, हर है, हर में आपको कांस्टेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कांस्टेंट, जो नियत है, जिसके साथ ओमेगा नहीं लगा है। तो यहाँ सी के साथ आप देखिए ओमेगा नहीं लगा है, और फिर ऊपर ढूंढना है कि उसी सी के साथ क्या लगा हुआ है। तो इसी सी के साथ ओमेगा स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा स्क्वायर ढूंढ देना है। बात आ गई समझ में? फिर इसमें ढूंढेंगे इसमें कांस्टेंट क्या है, किसमें ओमेगा नहीं लगा है। तो यहाँ बी में ओमेगा नहीं लगा है, बी में ओमेगा नहीं है। अब फिर हम ऊपर ढूंढेंगे कि बी में क्या लगा हुआ है, तो बी में ओमेगा लगा हुआ है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ओमेगा ऊपर और ओमेगा नीचे गुणा कर देना है। अब आप करके देख लीजिएगा, जब इसको आप पूरा गुणा करेंगे इसके साथ, तो एग्जैक्ट इसी के बराबर आ जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। और इसको जब गुणा करेंगे इसके साथ, तो एग्जैक्ट उसके बराबर आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, तो ये पूरा कट जाएगा। अब फाइनली हमारे पास क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बचा। ये क्या होता है? ये माइनस वन होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और ढेर सारे प्रश्नों को लेकर के आएंगे, साथ ही उसकी डिटेल्स को भी बताते जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।